अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, खैर इट्स मी डॉक्टर शादाब, रिसोर्स पर्सन फॉर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। एंड टुडे आई एम हेयर टू डिस्कस अबाउट यू फॉर हाउ टू अपलोड योर टीचिंग प्रैक्टिस ऑन एलएमएस। टीचिंग प्रैक्टिस जो है वो आपका एक कोर्स है जिसको हम कह सकते हैं कि 8613 8607 8607 का। उसके अंदर आप लोगों की टीचिंग प्रैक्टिस है और टीचिंग प्रैक्टिस को आपने अपलोड किस तरह से करना है। पहली बात तो यह कि टीचिंग प्रैक्टिस के अंदर चीज़ें कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहले हम लोग उस चीज़ को देखते हैं कि टीचिंग प्रैक्टिस के अंदर आप लोगों की चीज़ें कौन कौन सी हैं। तो उसके लिए हम लोग अभी देखते हैं कि टीचिंग प्रैक्टिस के अंदर चीज़ें कौन कौन सी हैं। तो सबसे आप पहले आपके पास होगा अप्रूवल फॉर्म। अप्रूवल फॉर्म के बाद आपके पास पेरेंट या गार्डियन की जो परमिशन फॉर्म आएगी, उसके बाद आपके पास एक सैम्पल ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट आ जाएगी जिसके अंदर आपके पास लिखा होगा रिपोर्ट वन है, सैम्पल ऑब्जर्वेशन टू है। उसके पास क्लासरूम ऑब्जर्वेशन फॉर्म में कहेगा कि क्लासरूम को आपने किस तरह से ऑब्ज़र्व करना है। देन आपके पास 14 फील्ड लेसन आएंगे जो आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 14 लेसन प्लान हैं। और आपके पास ये एट द एंड क्लासरूम ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट वन है, क्लासरूम की ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट वन, ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट टू, दो आपके पास ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट्स आ जाएंगी, ठीक है ना। तो आपने करना क्या है, इनको एलएमएस पे अपलोड किस तरह से करना है। अब इसके अंदर आपके पास दो चीज़ें थी, एक आपके पास लेसन प्लान है, दूसरे आपके पास ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट्स थी। तो आपने क्या करना है, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन करनी है आपने अपने इंटरनेट ब्राउज़र के अंदर। वो आपका क्रोम हो सकता है या वो आपका कोई भी दूसरा इंटरनेट एक्सप्लोरर हो सकता है। उसको आपने इस तरह लॉगिन करना है। जब आप उसको लॉगिन करेंगे तो एट द एंड आपने असाइनमेंट सबमिशन के अंदर नहीं जाना, तो आपने उसी तरह ऑनलाइन वर्कशॉप्स के अंदर अपना लॉगिन करना है। लॉगिन जब आप लोग अपना करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑटो सेव्ड लॉगिन आ रहा है हमारे पास, तो हम इसको ओपन करते हैं। आपने वहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड देना है। आपने उसी तरह टीचिंग प्रैक्टिस वाले को ओपन करना है जो आपके पास 8607 का ऑप्शन आ रही होगी। तो जब आपके पास 8607 की ऑप्शन है, इसके अंदर आपकी असाइनमेंट सॉरी वर्कशॉप्स जो हैं वो नज़र आ रही होंगी आप लोगों को। तो वर्कशॉप्स के एंड पे आपके पास तीन चीज़ें हैं, अटेंडेंस ऑफ द वर्कशॉप। अटेंडेंस ऑफ द वर्कशॉप को आपने नहीं छेड़ना, ये जो आपके पास अटेंडेंस की ऑप्शन है इसको आपने नहीं छेड़ना। नीचे आ रहा है अपलोड फील्ड नोट्स फाइल, जो आपके पास फाइल नोट्स हैं इतना उनको आपने ओपन कर लेना है। अब यहाँ पे आप देखें, एक मिनट ज़रा हम लोग बैक पे जाके आप लोग देखें, यहाँ पे तीन चीज़ें अटेंडेंस वर्कशॉप की, उसको आपने नहीं छेड़ना। दूसरे नंबर पे अपलोड फील्ड 14 नोट्स जो आपके पास लेसन प्लान हैं उसको आप, टीचिंग नोट्स जो हैं और ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट जो हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे अपलोड कर लिए थे तो इस वजह से यहाँ पे टिक आ रहा है। अदरवाइज आपके पास ये जो पहले ऊपर वाला खाली पोर्शन है उसी तरह आपके पास नीचे भी दोनों होंगे। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे अपलोड फील्ड नोट्स, तो हम यहाँ पे इसको रिमूव सबमिशन तो नहीं कर सकते, रिमूव सबमिशन हम लोग कर सकते हैं लेकिन चलिए अब हम इसको क्या करते हैं कि रिमूव सबमिशन कर देते हैं। तो अब ये क्या हमारे पास ये सबमिट, अब हम एडिट सबमिशन में जाएंगे तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि इसको अपलोड करना है। अपलोड किस तरह से करना है ये आप ओपन करेंगे, यहाँ पे आप चूज़ फाइल करके अपनी फाइल्स में से जाके देखेंगे कौन सी फाइल आपके पास। तो ये हमारे पास टीचिंग मैनुअल आ गया हुआ है, तो यहाँ पे इसको अपलोड करेंगे फाइल को, क्योंकि फाइल का साइज़ जो है वो ज़्यादा था इस वजह से वो अपलोड नहीं होगी, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपनी जो कंप्रेस्ड फाइल होगी, हम लोगों ने जो कंप्रेस की हुई है फाइल उसको डाउनलोड करेंगे। तो डाउनलोड करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसी जगह पे वापस आके अपनी सबमिशन को दोबारा करेंगे। अब क्या है, हम लोगों ने इसको अपलोड किया, फाइल में जाएंगे, दोबारा जो हमारे पास ये मैनुअल आ गया, क्योंकि ये देखें ना, आपको मैं अभी दोबारा दिखा देता हूँ, इसका साइज़
पहली फाइल का साइज़ था 9.7 MB, 9 MB की, ठीक है ना। तो अभी देखते हैं हमारे पास जो फाइल है वो कितने MB साइज़ की है। तो अभी दोबारा हमारे पास जो फाइल है वो कितने MB साइज़ की है, वो अगेन 9 MB वाली साइज़ वाली फ़ाइल जो है हम बाई मिस्टेकन हमारे पास आ गई है। तो अब हम उसको क्या करेंगे, उस फाइल को दोबारा जो है वो अपलोड नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग उसको चेंज करेंगे यहाँ पे इस तरह करके। आपने इसको जब अपलोड करेंगे ना फाइल को, तो वो फाइल अपलोड होने की कंडीशन में आ जाएगी, जो मैं आपको भी दोबारा करके भी दिखाता हूँ कि हम लोग वो फाइल किस तरह से अपलोड करते हैं, ठीक है ना। तो अभी वो फाइल अपलोड हो जाती है, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। तो हम लोगों ने काम क्या करना है, उसी तरह अगेन हम लोग अपने, क्योंकि हम लोगों ने जो भी चीज़ है वो अपने व्हाट्सएप के अंदर रखी होती है चीज़ें, तो यहाँ पे हम लोग उस मैनुअल को डाउनलोड करने की कोशिश करेंगे। और मैनुअल को डाउनलोड करके ये हमने कंप्रेस्ड किया हुआ था, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, अगेन हम दोबारा उसको अपलोड करते हैं चूज़ फाइल करके। फाइल में ये उनके लिए बता रहा हूँ जिनको प्रॉब्लम आ रहा है सबमिशन के अंदर। अब ये देखें फाइल अपलोड होना शुरू हो गई है, क्योंकि 5 MB की फ़ाइल थी ये अपलोड हो गई है। यहाँ पे अब आ जाएगा सेव चेंजेस। अब आप क्या गया कि फ़ाइल सबमिट हो गई, ये देखें आपके पास फाइल जो है वो शो होना शुरू हो गया कि आपने 18 मार्च को 4:55 पे अपलोड किया है, ठीक हो गया। तो इस तरह से आप लोग अपने ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट को अपलोड कर सकते हैं। और इसी तरह ही आप लोगों ने बैक पे जाके क्या करना है, आर यू श्योर वॉन्ट टू रिमूव सबमिशन, हमने रिमूव नहीं करनी थी। तो अब हम क्या करेंगे, अगेन अपने डैशबोर्ड पे आके चेक करेंगे कि हमारी सबमिशन हो चुकी है या नहीं। तो ये अगर आप वापस आके देखें तो आपके नोट्स और यहाँ पे आपने ऑब्जर्वेशन 1 और ऑब्जर्वेशन 2 जो दोनों हैं ना वो अपलोड करने हैं यहाँ पे आके ना। तो सेम प्रोसीजर क्या है कि आप उसको रिमूव सबमिट करके तो दोबारा अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि पहले आपने सबमिट नहीं किया तो आपको सबमिशन करने की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो अगर आप लोगों को इन क्यूरीज के अंदर कोई भी इशू हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, डोंट फील एनी हेजिटेशन। आप लोग इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें, आप लोगों को सारी लेटेस्ट वीडियोज़ मिलती जाएंगी। थैंक यू सो मच।